हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि फाइनली मुझे ऑफिशियली यहां पे लाइसेंस मिल चुका है रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स का। और आप लोगों को मैं ये स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि ना मुझे ये था कि मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई है नर्सिंग की और किस तरीके से मैंने किन किन हालातों को फेस करके ये लाइसेंस लिया है। नर्स बनना यहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक आधी रिक्वायरमेंट कभी ऐसी होती है जो आपको रोक के रख लेती है लाइसेंस लेने से, और मेरे केस में वो थी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। मैं आपको ना वहाँ से बताऊँगी जब मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन की थी। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे अराउंड 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुकी हैं। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू ऑल, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने ये चैनल शुरू किया था ना, तब मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ये चैनल चलेगा नहीं, तुम्हारा ये टाइम वेस्ट होगा या कोई नहीं देखेगा। लेकिन मेरे माइंड में था कि ये मैं चैनल फेमस होने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये चैनल मैं ज़रूरतमंदों की हेल्प करने के लिए बना रही हूँ। जिनको ज़रूरत होगी वो सर्च करेंगे और खुद ब उनको मेरा चैनल दिख जाएगा, और वो थोड़ी सी मुझसे अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, तो मैं उनको दे दूँगी, उनका कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मेरे माइंड में था। तो आज मेरे पास 3000 सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। जब जब मैं घबराई, जब जब मुझे सैड फील हुआ, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में हमेशा कहा बहुत अच्छे हो दीदी, आप ये करते हो, वो करते हो, थैंक यू। और आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ लोगों का बहुत टाइम से कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड साहिल घर से काम कर रहे हैं, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं यहाँ पे। तो घर में हम ना मैं कोई वीडियो नहीं बना पाती, और बेबी छोटा है, वो खेलता रहता है, आवाज़ आती रहती है। तो आज मैं सोचा था कि मेरे पास कुछ अच्छा कंटेंट भी नहीं था इतना डालने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं आज ये न्यूज़ शेयर करती हूँ। तो घर के बिल्कुल 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे मैं आकर थोड़ा वाइटमिन डी ले रही हूँ और वहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको वहाँ से बताती हूँ। जब मैंने 2016 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से अपनी नर्सिंग डिग्री की थी, फिर मैंने आयल्स की, फिर 6-7 मंथ्स मैं आयल्स इंस्ट्रक्टर भी रही ई स्कूल बठिंडा में, जो पंजाब में उनको पता होगा ई स्कूल काफ़ी फेमस है, वहाँ पे मैं 6-7 मंथ्स एज एन इंस्ट्रक्टर काम कर रही थी। तो आयल्स इंस्ट्रक्टर की जॉब करते करते मैं अपने वीज़ा की भी तैयारी कर रही थी साथ में। तो बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे कॉलेजेस सर्च किए इंटरनेट पे, और मुझे ना कोई बताने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, कोई भी सीनियर को मैसेज कर दो, किसी को भी कर दो, जिसने भी नर्सिंग की है, वो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते थे। और जैसे होता है कि आप किसी को पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हो, बीच में से कुछ वर्ड्स बता देते हो और सेंटेंस कंप्लीट करना खुद आपको पड़ता है, वैसा था। तो मैं इंटरनेट पे सर्च करती रहती प्रोग्राम्स और कॉलेजेस, फिर कुछ पता नहीं था कि आरएन बनने का प्रोसेस क्या है, आरपीएन बनने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं आइडिया था। तो चलो मैं वहाँ पे पिरामिड की ब्रांच में गई बठिंडा में, और उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शंस बताए जो नर्सिंग से रिलेटेड नहीं थे, तो मैं वहाँ से भी डिसअपॉइंट हो गई। फिर मेरे माइंड में एक हम्बर कॉलेज का आया, वहाँ पे कोई एडिक्शन काउंसलर एंड कुछ मेंटल हेल्थ सर्विसेज कुछ ऐसा प्रोग्राम है, वो मैंने सोचा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी ना जो नर्सिंग की जर्नी है वो इतनी प्लेजेंट नहीं रही है, क्योंकि जो PNRC से हमारा डॉक्यूमेंट आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी मेरे सारे क्लासमेट्स को 15-20 डेज में मिल गया। लेकिन मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया 16 में, लेकिन मुझे वो मई 17 में जाकर मिला। मेरे पास वैसे भी कॉलेजेस के ऑप्शंस फिर कम रह जाते थे। पिरामिड से मेरा कुछ, जब मुझे लगा कि नहीं बन रहा है, कुछ थोड़ा मिसगाइडिंग लगा मुझे। पिरामिड काफ़ी अच्छा ऑफिस है, लेकिन उनका बठिंडा ब्रांच का जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आपको इतना इंटरेस्ट से गाइड नहीं करते हैं, और वो उनका माइंड में होता है कि जो प्रोग्राम वो दिलवाना चाहते हैं हम वो कैसे भी करके ले लें। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, मुझे नर्स बनना था। तो मैं थोड़ी सी ये सोच रही थी कि नहीं ऐसे कुछ भी लेके नहीं जाना है, कुछ अच्छा ही लेके जाना है, नर्सिंग से रिलेटेड लेके जाना है। तो फिर मैं कैनम ऑफिस में गई। कैनम वालों ने मुझे 2-3 ऑप्शंस दिए, और 2-3 ऑप्शंस में ना एक ये नॉर्दर्न कॉलेज का था, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मुझे नेम नर्सिंग का लगा, तो मैंने उनको यस कर दी। मैंने उनसे ये पूछा था वैसे कि नर्सिंग के लिए इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं, लेकिन उनको भी इंडिया में बैठे इतना नहीं पता होता है, और मे भी शायद वो आपको बताना भी नहीं चाहते हैं। आई डोंट नो, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा वीज़ा भी लगवा के दिया, लेकिन मैं हर वीडियो में एजेंट्स को बहुत बुरा बोलती हूँ, क्योंकि वो सच्चाई है, उनको कमीशन मिलता है यहाँ कॉलेज से, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो कॉलेज से उनको अच्छा बेनिफिट मिले वो आपको उसके बारे में ही बताएं और आप उसी में एडमिशन लो। तो चलो नॉर्दर्न कॉलेज यहाँ पे है, वहाँ पे मैं आ गई। लेकिन जो मेरा प्रोग्राम था उसमें कोई प्रैक्टिकल आवर्स नहीं थे,
तो ये मेरा सबसे बड़ा लॉस था, मैंने वो प्रोग्राम चूज़ कर लिया। 8 लाख इसकी मैंने फ़ीस भरी, लेकिन तब आपको सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आपको पता चले कि जो आपने फ़ीस भरी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ मेरा कॉलेज में जो प्रोग्राम था उसका हमें फ़र्स्ट सेमेस्टर में पता लगा कि वो हमारे NNS को या CNO को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, लेकिन हमारे प्रोफेसर थे एक, बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया, उन्होंने ना मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम अपनी प्रोफाइल जनरेट करो CNO से और NNS पे और अकाउंट बनाओ और प्रोसीड विद इट। वो हमें इतना कुछ करते ही गए करते गए, तो फिर मैंने फाइनली वो प्रोसेस शुरू कर दिया। और मेरी ना NNS में जब मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, तो मैंने नॉर्दर्न कॉलेज से बहुत रिक्वेस्ट की अपनी डॉक्यूमेंट सेंड करवाने की, वो वहाँ से नहीं हुए क्योंकि उसका प्रैक्टिकल का कुछ था नहीं उस कॉलेज में, तो NNS को वो डॉक्यूमेंट नहीं सेंड। फिर मैंने उनकी जो मेन ब्रांच है वहाँ बहुत सारी कॉल्स किए, तो फाइनली कुछ करके कुछ ट्रांसक्रिप्ट सेंड हुई, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। तो NNS का मुझे मैसेज आया कि आधा काम आपने किया है, तो मैंने उनको कहा प्रोसीड विद वट एवर यू हैव बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन प्रोवाइड यू। फिर मुझे नॉर्दर्न कॉलेज का ऑप्शन वहाँ से डिलीट करना पड़ा। तो आफ्टर लाइक 6 मंथ्स, यूजली NNS 1 साल भी ले लेता है, लेकिन जब उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो अराउंड 1 वीक 2 वीक्स में आपको रिजल्ट दे देते हैं। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हो रहे थे, तो इंडिया का डॉक्यूमेंट भी PNRC का जो था वो 3 मंथ्स लगते हैं आने में। तो मैंने ये आई थिंक ये अप्रैल में शुरू किया था, अप्रैल 2018 में, 2017 की अगस्त को मैं यहाँ आई थी, और अप्रैल 2018 को जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला था तब मैंने ये NNS का सब शुरू किया। तो अप्रैल से लेकर अराउंड अक्टूबर तक NNS का सारा काम हुआ, इतना टाइम लग गया। तो जब मुझे NNS का आया कि आपकी ये हमने आपकी कॉम्पिटेंसी आपके एवेल्यूएशन की है उसके बेसिस पे आप RPN का जो है, नहीं ये NNS नहीं बताता, ये NNS आपको सिर्फ ये बोलता है कि आपकी जो हमने एवेल्यूएशन कर दी है वो हमने CNO को फॉरवर्ड कर दिया। आई एम रियली सॉरी, तो CNO को फॉरवर्ड कर दी थी, अभी आगे CNO को जज करना होता है। तो जब मैंने CNO पे अपना अकाउंट वगैरह बनाया, तो फिर उसके बाद जस्ट एक ही दिन में, जैसे आज शाम को मैंने अकाउंट बनाया, जस्ट अगले दिन मुझे CNO ने बोल दिया कि आप RPN के लिए एलिजिबल हो, लेकिन RN के लिए आपके कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं। अब देखो NNS की जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी कंपेरेबल थी, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मतलब कोर्सेज जो होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मेरा 88% 94% ऐसे लिखा होता कंपेयर करने में। कुछ चीज़ों में नॉट कंपेरेबल थी, तो कुछ चीज़ों में कंपेरेबल थी, समवट कंपेरेबल थी, नॉट कंपेरेबल थी। जो लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। एक्चुअली NNS एक रिपोर्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इंडियन स्टैंडर्ड को कैनेडियन स्टैंडर्ड में मैच करके देखते हैं स्टडी से, फिर आपको बोलते हैं कि आपकी फार्माकोलॉजी नॉट कंपेरेबल है, आपकी एनाटॉमी नॉट कंपेरेबल है, आपकी नॉलेज बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो कंपेरेबल है, ऐसे कुछ आपको इंफॉर्मेशन आती है। तो मेरे बहुत सारे नोन जो थे उनकी वो सेम रिपोर्ट थी मेरे जैसी ही, लेकिन CNO ने उनके गैप जो निकाले वो कम निकाले, लेकिन मेरे 100 गैप्स आए। 100 मीन्स जैसे 100 गैप्स टोटल होते हैं, 100 ही आ गए मेरे। आई वॉज लिटल सैड, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो शुरू से लेकर अब तक कुछ अच्छा इजीली हुआ ही नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई विल डू इट। फिर मैंने फिर हम लोग ना, जैसे मैंने नवंबर में अपना सारा वो टेस्ट बुक किया, मैंने Feb 15 का टेस्ट बुक कर दिया RPN का। नवंबर में मैं इंडिया गई क्योंकि मेरी मैरिज थी, तो अक्टूबर 26 को मुझे ये मैसेज मिला था CNO से कि मैं RPN के लिए एलिजिबल हूँ, तो नवंबर 22 को मैं इंडिया चली गई। वो जो एक महीने से कम ही टाइम था उसमें मैंने थोड़ी शॉपिंग भी की यहाँ से और थोड़ा पढ़ी भी। फिर मैं नवंबर 22 को इंडिया गई और मैं 16 जनवरी को मैरिज करवा कर यहां आई। 15 फेब को मेरा एग्ज़ाम था, मेरे पास 29 डेज थे। तो मैंने अपना जो मेरा एग्ज़ाम था उसकी मैंने प्रेपरेशन पूरे अच्छे से की, और जब मैंने मतलब मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, फिर मुझे मेरे हस्बैंड बोलते थे हो जाएगा, फिर लगता था हो जाएगा, तो फिर कभी लगता था अरे अगर नहीं हुआ तो, फिर सोचती थी चलो सेकेंड अटैम्प्ट कर लूँगी फिर क्या होता है। फिर मैंने स्टडी करती रही और फिर मेरा जो 15 फेब को एग्ज़ाम था
वो मैंने मतलब उसकी ना एक दिन पहले आपका यार्ड स्टिक का जो मैंने आपको बताया भी होगा, यार्ड स्टिक वेबसाइट से आपको थोड़ा सा मटेरियल मिलता है, बाय करना होता है आपको, वो आप देख सकते हो करके, वैसा कुछ पैटर्न आता है एग्ज़ाम का, तो मैंने ना वो लिया और उनका ना एक टेस्ट होता है मॉक टेस्ट टाइप, वो मैंने दिया और मैंने इतने हरी में दे दिया कि मतलब जैसे मुझे ना ये आदत है, मैं नर्वस हो जाती हूँ और ना फिर मैं वेट नहीं करती, मुझे होता है कि फटाफट फटाफट कर दो, लेकिन नर्वस टेस्ट में वो एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाता है। फाइनल में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, टच वुड, जब मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ तो तब होता है कि फटाफट क्वेश्चन आधा पढ़ा टिक कर दिया ऐसे, तो वैसे मैंने वो एग्ज़ाम किया और मैं फेल हो गई। लिटरली मैं फेल हो गई। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था फाइनल, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कुछ नहीं होता, तुम कर लोगी, डोंट वरी। फिर मैं ना 15 फेब को एग्ज़ाम देने गई, पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं एक एग्ज़ाम दे रही थी, और एग्ज़ाम मेरा हुआ, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते गए मुझे लगता गया कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, फिर मुझे लग रहा था अरे नहीं, तुमने ये सब कुछ किया हुआ है, 4 साल तुमने डिग्री की हुई है, वैसा ही कुछ है, तुम अपना दिमाग लगाओ और हो जाएगा। और मैं जब घर आई तो मुझे लग रहा था मैं दोबारा दूंगी पेपर, मेरा अच्छा नहीं हुआ है। अराउंड 5 मार्च को मुझे ईमेल आई कि मैं एग्ज़ाम मैंने अपना क्लियर कर लिया है, पास हो गई हूँ, एंड आई वॉज़ वेरी 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 हैप्पी, वेरी हैप्पी, आई कॉन्ट टेल यू हाउ मच आई वॉज़ हैप्पी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो एक स्टेप हो गया, अब आई विल बी हैविंग माई जॉब आफ्टर 2 मंथ्स, लाइसेंस आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट की वहाँ पे एक लिस्ट होती है जिसमें नर्सिंग एग्ज़ाम होता है, एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस होता है, करेक्टर कंडक्ट होता है, पुलिस क्लियरेंस होता है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी आपको देना होता है। सब कुछ मैट आ गया, सिर्फ एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैट नहीं आया। फिर मैंने अपने एम्प्लॉयर से जो मैंने मतलब मेरी जॉब थी अप्रैल मई से, और वहाँ से मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट सेंड करवाए, बार बार करवाए, कभी वो सीएनओ को कुछ ठीक नहीं लगता था, कभी कुछ ठीक नहीं लगता था, और उस टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, तो अगस्त में आई डिलीवर्ड माई बेबी। फिर वैसे ऐसा था कि मैं मेटर्निटी लीव पे थी, मैं जॉब में जा भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि एटलीस्ट लाइसेंस तो आ जाए हाथ में, तो फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास होता है कि कोई आपको पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो आप ये नहीं बोलते सिर्फ कि मैं लीव पे हूँ, आप बता सकते हो कि आई एम नर्स लेकिन मैं लीव पे हूँ, मैं जॉब पे जाऊँगी। मुझे इतना एम्बेरसिंग फील होता था जब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, और मुझे ये लगता था कि वो बहुत कोई अच्छी लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे कनाडा में कोई फ्री नहीं रहता है, सब लोग अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? और मेरे हस्बैंड के जितने भी फ्रेंड्स थे, उन सबकी वाइफ, किसी की नर्स थी, किसी की सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, किसी की कुछ थी, मतलब अच्छी जॉब्स पे थे सब। तो हमने किसी के घर पे भी जाना होता ना, तो मैं हमेशा ये फील करती कि नहीं मैं वहाँ पे क्या बताऊँगी सबको, मेरे पास मुझे मेरे माइंड में था कि मैं क्या बताऊँगी कि मेरा अभी तक लाइसेंस नहीं आया है, मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, और फिर ऊपर से आपको ये भी डर लगता रहता है कि इंडिया वाले कुछ लोग सोचेंगे कि एग्ज़ाम क्लियर हुआ ही नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रही, मैं इतनी स्ट्रेस्ड और इतनी डिप्रेस्ड थी। फिर उसके बाद हियान का बर्थ हुआ, तो थोड़ी सी मैं उसमें थोड़ी बिजी हो गई और थोड़ा लाइफ को थोड़ा इंजॉय करने लगी, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था साथ में कि लीव ख़त्म हो जाएगी जुलाई में, जो भी ख़त्म होगी इस जुलाई में, तो क्या होगा? मैं सीएनओ को एक लेटर भेजो, वो 3 मंथ्स आपको जवाब नहीं देते हैं, किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं करते हैं, ये उनका है कि वो 2-3 मंथ्स बाद आपकी एप्लीकेशन का जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं वैल्यूएशन के लिए। तो मेरे एम्प्लॉयर से मैंने इतनी मतलब एप्लीकेशन इतनी रेफरेंस लेटर लिखवाई कि मुझे प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश में, मैं काम कर सकती हूँ, मुझे इतना आता है कि राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स है कि बात समझ लेती हूँ और बात एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाया। और दिसंबर 2019 में मुझे एक लेटर आई जिसमें था, मतलब वो मैंने ना लास्ट लेटर जो रेफरेंस लेटर थी अपने एम्प्लॉयर से सेंड करवाई, वो उसमें मैंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स लिख दिए, स्टार्टिंग डे लिख दिया वर्क का, फिर जॉब का लास्ट डे लिख दिया, और सैटरडे संडे को काम करती थी या नहीं, वो सब कुछ मैंने लिख दिया, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट हुआ। फिर भी दिसंबर 2019 को मुझे मैसेज आया कि रजिस्ट्रार ऑफिस से मुझे मैसेज आया कि वी आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड दैट यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड फिर उन्होंने बोल दिया कि बट वी आर रेफरिंग योर एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रेशन कमेटी ऑफ सीएनओ, जो डिसाइड करेंगे
कि आपको लाइसेंस देना चाहिए या नहीं, या आपको आगे क्या करना चाहिए। अभी उन्होंने मुझे बोल दिया कि 17 मार्च तक अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो आप सेंड कर दो। 23 अप्रैल को कमेटी का डिसीजन आने वाला था और 17 मार्च तक का मुझे टाइम मिला, और ये मुझे न्यूज़ दिसंबर के लास्ट वीक में मिल रही है। तो आई वॉज रियली अपसेट, फिर मैंने फटाफट, मैं इतनी पैनिक हो गई, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आयल्स दे देती हूँ। तो मैंने आयल्स का एग्ज़ाम फिल कर दिया जो मेरा 8 फेब को था, और मैंने इतना प्रेपरेशन की थी, सच में इतनी प्रेपरेशन की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बैंड स्कोर उसमें नहीं थे अच्छे। रीडिंग और लिसनिंग में आई गॉट 8.58 एंड स्पीकिंग और राइटिंग में आई गॉट 6.5। इंडिया में आई गॉट 7.5 इन स्पीकिंग, बट दिस टाइम आई गॉट लाइक, क्या हुआ, मेरा राइटिंग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ अच्छा तो स्पीकिंग में आई वॉज रियली थिंकिंग कि राइटिंग में तो बैंड्स चाहिए ही थे और राइटिंग का ही हुआ ही नहीं है, तो एग्ज़ाम तो दोबारा देना ही पड़ेगा। तो स्पीकिंग में भी आई वॉज लाइक नॉट एबल टू गिव माई आंसर्स प्रॉपरली, आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, एंड तो द एग्जामिनर वॉज अ लिटल बिट हेल्पिंग इन द सेंस, वो थोड़ा कम्फर्ट फील करवाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन शी वॉज इंडियन, साउथ इंडियन, एंड मेरे आंसर ना बीच पे से कट हो रहे थे। जैसे मैं कोई चीज़ का आंसर देने की कोशिश भी करती थी तो आधा सा आंसर दिया, जब मैंने वहीं से उन्होंने मुझे रोक दिया, मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया कि मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकूँ। मेरा क्यू कार्ड भी अराउंड 1 मिनट सुन लिया। मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझे बैंड्स दे देंगे तो इसलिए थोड़ा ऐसे कर रहे हैं कि उनको पता चल गया कि मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन फिर कुछ एक्सप्रेशन आपको समझ में आ ही जाती हैं। फिर आप, मुझे लग रहा था कि नहीं, हुआ नहीं है अच्छा। मैंने अपने हस्बैंड को निकलते ही बोल दिया दोबारा देना पड़ेगा, कहते क्यों, मैंने कहा राइटिंग भी अच्छा नहीं हुआ था, स्पीकिंग में तो वैसे माइंड नहीं लग रहा था, और ऊपर से मतलब इतना, मैं आपको ना ऑनेस्टली बताऊँ, आप मुझे चाहे बायस्ड कह लो, जब आप किसी फॉरनर को स्पीकिंग देते हो ना जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, आपके पेरेंट्स हमेशा हमेशा अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट जजमेंटल। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे इंडियंस जजमेंटल होते हैं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैंने एज अ ट्यूटर मैं काम करती थी, जब मेरी जॉब थी आईएएस इंस्ट्रक्टर की, तब भी मेरे साथ ये हुआ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब मैंने पूछा, मुझे सबका यही आंसर मिलता था कि अगर तो कोई फॉरनर आता है तो वो उनको अच्छे बैंड्स देकर जाते हैं, लेकिन जब कोई इंडियन आते हैं तो उनके बैंड्स कम आते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी का एग्ज़ाम लूँ, डेफिनेटली आई विल बी लिटल बिट बायस्ड, मुझे ये लगेगा कि अगर मैं, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप कोई स्टोरी भी क्रिएट करने की कोशिश करो ना दिमाग में, फॉरनर को तो आप झूठी भी सुना सकते हो, लेकिन इंडियन को सुनाते हैं, आप बोल दो हमारे इंडिया में ऐसे होता है, हमारे इंडिया में ऐसे होता है, वो पकड़ लेते हैं और थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं। तो मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, मैं सिर्फ उनको ब्लेम नहीं करूँगी, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, मैं इतने आंसर्स दे ही नहीं पाई जैसे मैंने इंडिया में दिए थे। मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मेरा राइटिंग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ ही नहीं है। मैं घर आई तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि नहीं, कुछ नहीं होगा इस बार, मैं रियली अपसेट, दोबारा भरना पड़ेगा। तो विद इन 2-3 डेज मैंने फिर एक आयल्स का टेस्ट बुक कर दिया 18 अप्रैल का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अब मुझे समझ में आता, फॉर्चुनेटली बोलूँ या अनफॉर्चुनेटली बोलूँ, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो चुके हैं, सब कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, तो ऐसे करके मेरा आईएलटीएस का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। तो मेरे दिमाग में था कि अब तो भूल ही जाओ कि लाइसेंस आएगा, क्योंकि जो सेकेंड ऑप्शन था आईएलटीएस देने का वो तो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पा रही। लेकिन फिर ना मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर पे लिख के रख दिया कि आई एम ऑलरेडी अ नर्स इन कैनेडा। मैंने लिख दिया कि मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो मुझे लाइसेंस मिलेगा, कि हो सकता है रजिस्ट्रेशन कमेटी इतना देख कर कि मैंने इतने लेटर सेंड किए हैं। आयल्स में यू हैव टू राइट 1 टास्क और 2 टास्क, वो 4 पेजेस होंगे मैक्सिमम, लेकिन जितने मैंने उनको लेटर सेंड किए हैं, आई हैव, आई थिंक आई रोट देम अराउंड 10 लेटर्स, एंड ईच टाइम ईच लेटर वॉज हैविंग अराउंड 2 पेजेस। सो बहुत अच्छी इंग्लिश में मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ था। सो आफ्टर दैट मुझे लगा कि अभी आ जाएगा लाइसेंस। तो 23 अप्रैल को कमेटी का डिसीजन आने वाला था, तो मुझे लग रहा था कि शायद कोविड-19 के चलते मुझे वो लाइसेंस दे देंगे, बिकॉज दे नीड मोर नर्सेस। और 22 को
कमेटी के बैठने की जस्ट एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन आती है सीएनओ से ही कि आपके जो आईएलएस का आपका रिजल्ट था वो पहुंच चुका है। और जबकि मेरे बैंड जब कम आए थे तो मैंने वहाँ से उनका नाम डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे बैंड्स कम आए हैं वो उनके पास पहुँचे। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास ही आए यहाँ पे और वहाँ ना जाए उनके पास। तो ऐसे करके फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप एक और लेटर लिखो जिसमें अपनी सारी कंडीशंस मेंशन कर दो। तो मैंने एक लेटर लिखी 22 अप्रैल को, जिसमें मैंने लिख दिया कि अब मैं आईएलएस दे नहीं सकती और मेरा एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस जो है एक्सपायर हो जाएगा आरपीएन का अभी 2021 के जून में। तो अभी मुझे दोबारा मैं एम्प्लॉयमेंट में जा पाऊँगी या नहीं ये भी श्योर नहीं है, बिकॉज नॉन एसेंशियल सर्विसेज सब बंद हो चुकी हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने सीपीएनआरई का एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में क्लियर किया है, मैं एक अच्छे कॉलेज से स्टडी करके आई हूँ, तो मेरे पास अच्छा मुझे है। तो फिर उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया और ऑफिशियली मैं एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स वहाँ पे बन गई। दैट वाज अराउंड 8 AM इन द मॉर्निंग 24th को, जब मुझे एक कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि आपका लाइसेंस जो है वो आपको मिल गया है, आप आगे जाके प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दो, अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दो। तो वो फिर हो गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी और अब मैं अपनी जॉब पे दोबारा जा सकती हूँ। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है बिकॉज बहुत सारे लोग मेरी तरह ही फेस कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। काफ़ी लंबी स्टोरी हो गया लेकिन थोड़ी बहुत ही मोटिवेशनल भी होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और वैसे भी आवाज़ आएगी वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।